हाय गाइस, आई एम कार्मिक वर्मा और काफ़ी समय के बाद आप सबसे जुड़ने आया हूँ या मिलने आया हूँ यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ. एंड द रीज़न व्हाई आई एम स्केयर्ड इज बिकॉज द लेटेस्ट स्पीचेस ऑफ राहुल गांधी एंड सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स आर वेरी वेरी स्केरी. दो चीज़ें वो कह रहे हैं, एक है जाति जनगणना विच इज़ कास्ट सेंसस और दूसरी बात है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन. अगर इन दोनों चीज़ों को आप जोड़ दें तो एक सीधा मुद्दा बनकर आता है जो उनके न्याय पत्र यानी उनके मैनिफेस्टो में भी है, विच मीन्स दैट जितनी ज़्यादा संख्या उतना ज़्यादा हक. तो हर एक एमपी के क्षेत्र में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी लोग हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने शिया सुन्नी हैं, कितने रोमन कैथलिक हैं, कितने प्रोटेस्टेंट्स हैं, कितने सिख बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट पहली बात उन्हें ये जनगणना करनी है. दिस इज नॉट अ पॉपुलेशन सेंसस, दिस इज नॉट अ सिटीजनशिप सेंसस, दिस इज अ कास्ट सेंसस. हमें इसकी क्यों जरूरत है, बीट्स मी. दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनको उतना हक मिलना चाहिए, यानी अगर मुसलमान लोग ज़्यादा हैं आपके क्षेत्र में तो उन्हें एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, उनकी सरकारी नौकरियों में ज़्यादा रिजर्वेशन रहेगी. अगर ओबीसी एससी एसटी के लोग ज़्यादा हैं, अगर मान लीजिए हिंदू के ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, अगर रोमन कैथलिक ज़्यादा हैं तो उनका रिजर्वेशन ज़्यादा होगा. जिनके सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली इस कास्ट सेंसस की और इस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सबसे बड़े बेनिफिशरीज बनेंगे. अब किस कास्ट के, किस धर्म के बच्चे और किस जाति के बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं परिवार में, यह आप सबको पता है, मुझे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. अब जब इन दोनों बातों को जोड़ लें तो एक बहुत ही वामपंथी यानी एक कम्युनिस्ट मेंटालिटी सामने निकल कर आती है जो कई सारे कंट्रीज़ ने फॉलो करी है और फेल हो गए हैं. एंड सम ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज लाइक यू नो इवन रशिया फॉर दैट मैटर, चाइना फॉर दैट मैटर, अमेरिका एट वन पॉइंट इन टाइम, ब्राज़ील करंटली, वेनेजुएला. ये मानसिकता बिल्कुल गलत है. मानसिकता ये होनी चाहिए कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो ज़्यादा सक्षम है, जो मेरिटोरियस ज़्यादा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द एफर्ट दैट ही इज पुटिंग एंड द रिजल्ट्स दैट ही इज गेटिंग. किसी कारणवश कांग्रेस पावर में आ जाती है और ये लागू कर देती है. सोच के ही मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है. बट मान लीजिए ऐसा अगर हो जाता है तो इसका सीधा भार और सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर आएगा? इसका प्रेशर आएगा मुझ पर और आपके जैसे लोगों पर, विच इज़ द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया. द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ यूजुअली टू अबाउट 1, 2 और मैक्सिमम 3 किड्स, क्योंकि हमारा टैक्स कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है और हमें रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिलता. इसका सीधा इम्पैक्ट भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों पर आने वाला है, यानी आपके और मेरे जैसे लोगों पर. माई रिक्वेस्ट टू यू इज दैट एज यू गाइज गो आउट टू वोट, प्लीज इसे समझ कर जाइए एंड यू शुड नो वेयर यू आर कास्टिंग योर वोट, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा है पूरे देश के सामने. वोट वाइजली दिस 2024. Because this is where you can make a difference.